हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे थे हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने UPSC प्रिपरेशन के लिए। दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अब हम लोगों ने डे 7 में ये कुछ लोकेशंस के बारे में देखा था, जहां पर मैंने बोला था आप लोगों को लोकेट करने के लिए एंड यू कैन सेंड योर आंसर्स आल्सो। यहां पर अंडमान आइलैंड के बारे में है, बैरन आइलैंड के बारे में है, ग्रेट अंडमान है, लिटिल अंडमान है, सेंटिनल आइलैंड्स है और लक्षद्वीप है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहां पर जो डिस्कस करना है वो आइलैंड रिलेटेड डिस्कशन करना है हमें। फटाफट देखते हैं पहले लोकेशन और उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या कुछ हमारे पास डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो पहले लोकेट करते हैं, सबसे पहले हमारी आ जाती है अंडमान के बारे में। अब देखिए अंडमान जो होती है या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कई सारे इसमें आइलैंड आ जा रहे होते हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ अंडमान हो जा रहे होते हैं। तो ये हो जाती है हमारी अंडमान के बारे में। दूसरी होती है बैरन आइलैंड। बैरन जो है वो अंडमान का ही एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड मतलब छोटा आइलैंड है और ये एक्टिव वोल्केनो भी है और एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, बाकी एक और वोल्केनो हमारे पास है नारकोंडम लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तीसरी हो जाती है ग्रेट अंडमान। ग्रेट अंडमान जो होती है अंडमान की ही अगेन एक पार्ट होती है जो हम लोग देखेंगे क्या चीज है। लिटिल अंडमान अगेन जहां पर मैंने आप लोग को बताया है कि हमारा लिटिल अंडमान हो जाता है। सेंटिनल आइलैंड अंडमान का ही एक पार्ट होता है जो कि साउथ में पाया जाता है। लक्षद्वीप आपको बताइए, लक्षद्वीप जो होती है हमारी अरेबियन सी के पास में हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनके बारे में है। फटाफट देख लेते हैं, पहले लोकेट कर लेते हैं देन उसके बाद से हम लोग इसको बात कर लेंगे इसके बारे में। तो देखिए इस साइड में आपको दिख रहा होगा कि दीज आर अंडमान आइलैंड्स, ये अंडमान आइलैंड्स है। अब यहां पर देखिए लोकेट करने के लिए आप सीधे सीधे लाइन भी बना सकते हैं या फिर जो एरिया होगा वहां पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे ये ऊपर हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, दिस इज नॉर्थ अंडमान, हालांकि पूछा नहीं है। बीच में आप बता सकते हैं कि ये मिडिल अंडमान है। सिमिलरली साउथ में आप बता सकते हैं कि साउथ अंडमान, और ये छोटा सा जो निकला हुआ है इसको आप बता सकते हैं कि लिटिल अंडमान ये है। फिर बाकी नीचे कार निकोबार और छोटे मोटे जो ग्रेट निकोबार्स वगैरह आ जा रहे होते हैं, तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे। जो कुछ भी चीजें होंगी हम लोग के डिस्कशन में आज के पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं है। तो हमारा अंडमान का पार्ट हो गया, ग्रेट अंडमान का पार्ट हो गया और हमारा लिटिल अंडमान हो गया। बैरन आइलैंड के बारे में बात करें तो देखिए यहीं पर ये जो छोटा सा आइलैंड बना हुआ है ये हो जाती है आपकी बैरन आइलैंड, दिस इज बेसिकली बैरन आइलैंड, अलग होता है, अलग से निकाल करके रखा गया है। ये जो साउथ में आप देख रहे हैं, सॉरी नॉर्थ में देख रहे हैं, ये हो जाता है नारकोंडम, दिस इज बेसिकली नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। तो ये चीजें हो जा रही होती है। बाकी लक्षद्वीप आप देख ही रहे हैं कि दिस इज बेसिकली लक्षद्वीप, ये हो जाती है लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो जा रही होती है। क्लियर हो गया। तो ये हमारी कुछ लोकेशन है जिसके बारे में हम लोगों को लोकेट करना था। अब हम लोग जरा देख लेते हैं इसके बारे में कि लोकेशंस के बाद अब डिस्कशन क्या कुछ है। तो सबसे पहले हमारी अंडमान आइलैंड के बारे में है कि दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल रीजन एंड आर पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। दीज आइलैंड आर कॉन्टिनेंटल आइलैंड रेफरिंग पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड फोल्ड रिलीफ एंड आर इन द फॉर्मेट ऑफ आर्चिपेलागो मीनिंग एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हिमालय। तो आपको पता ही है कि हमारे हिमालय की ये पार्ट होती है जो ईस्टर्न हिमालय ये अंदर की ओर जो है समुद्र के अंदर जो होती है ओशन के अंदर में इस तरह से सबमर्ज की हुई है। तो ये जो आइलैंड निकली हुई है बाहर की ओर में इसी को बोल देते हैं हम लोग अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सिमिलरली बैरन आइलैंड के बारे में अगर बात करें तो ये जो है अंडमान आइलैंड में ही है और नॉर्थ साइड में है। तो ये इट इज द एक्टिव वोल्केनो, इंडियाज ओनली वोल्केनो इन साउथ एशिया में। बाकी आप लिखने को लिख सकते हैं दिस इज द नॉर्थ साइड ऑफ अंडमान, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्डेड वोल्केनो कब हुआ था, अगर आपको डेट पता है तो इट इज ओके, अदरवाइज जो होती है आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। जैसे 1787 में पहली बार हुआ था और रिसेंट में अभी 2005 में हुआ था, और 1787 से 2005 तक में 6 बार इरप्शन हो चुकी है। अगेन देखिए कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें थी जो आप मुझे पता था तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है क्या चीज है, ठीक है। ग्रेट अंडमान के बारे में बात करें तो देखिए मेन आर्चिपेलागो ऑफ अंडमान आइलैंड यही है, इट कंप्राइज ऑफ 5 मेन आइलैंड, कौन कौन से, नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, बार्तुंग आइलैंड हो गया, रटलैंड आइलैंड हो गया, छोटे छोटे आइलैंड है जो इस तरीके से आ जाते हैं। सिमिलरली देखिए लिटिल अंडमान के बारे में तो दिस इज द 4th लार्जेस्ट अंडमान ग्रुप में जो आइलैंड है, और कहां पे है, ये सदर्न साइड में है, सदर्न एंड ऑफ आर्चिपेलागो, इट इज द होम ऑफ ऑंज ट्राइब। तो ऑंज का नाम आपने सुना होगा, PVTG में भी इसको इंक्लूड करके रखा गया है।
इट हैज बीन ट्राइबल रिजर्व सिंस 1957 से हमारा इस तरीके से बना हुआ है। आगे अगर बात करें तो देखिए सेंटिनल आइलैंड के बारे में, तो आइलैंड इज पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड चाइना चेन, सॉरी दिस इज अंडमान आइलैंड चेन के बारे में है। तो देयर आर टू आइलैंड ग्रुप्स, एक हो जाती है नॉर्थ सेंटिनल और दूसरी हो जाती है साउथ सेंटिनल। द एरिया इज हैबिटेट ऑफ ट्राइब एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसके अलावा यहाँ पर शुगर केन या फिर पल्सेस, इन सर ये सब चीजें भी हो जा रही होती हैं। अगेन यहाँ पर अगर क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट जो यहाँ की वो आ जाती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कुछ जगहों पर पाई जाती है और कुछ जगहों पर ट्रॉपिकल पाई जाती है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट कह सकते हैं आप। यहाँ पर फॉरेस्ट पाई जा रही होती है। लक्षद्वीप हमारा लास्ट आ जाता है, लक्षद्वीप के बारे में देख ले तो स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 12 एटॉल। अब देखिए अलग अलग तरीके से, जैसे 12 कोरल एटॉल है, 3 कोरल रीफ्स है, 5 बैंक्स है। तो दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर द कोस्ट ऑफ केरला। द आइलैंड इज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको पता ही है कि क्या चीज हो जाती है, क्लियर हो गया। क्या थी हमारी कुछ लोकेशंस और उसके बारे में, फटाफट नेक्स्ट डे की लोकेशन ले लेते हैं, डे 18 की। डे 18 में आपके पास जो लोकेशन है वो अगेन आइलैंड की है, आपको लोकेट करना है माजुली के बारे में, बुचर आइलैंड के बारे में, एलिफेंटा आइलैंड, निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। तो ये कुछ लोकेशन है जिसको आप लोग लोकेट करिएगा, लोकेट करके आप हमें भेज भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल एज वेल एज recognition@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। इवैल्यूएशन करके आपको मिल जाएगा, कई लोग भेजते भी हैं, उनको इवैल्यूएशन करके मिल जा रहा होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्वाइन करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।